से नहीं जाना चाहते और लिफ्ट से भी नहीं, उन लोग सही अंदर हो सकता हूँ। सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आप लोगों को लेकर के जा रही हूँ हॉस्पिटल, और बिल्कुल सही सुना आपने, हॉस्पिटल का रिव्यू करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों जो है हॉस्पिटल के काफ़ी चक्कर लगाने पड़े हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आपका कोई अपना एडमिट होता है तो ही आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। दैट्स वाई मेरे जो काफ़ी टाइम तक ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, लेकिन आफ्टर ऑल ब्लॉगिंग इज़ वर्क फॉर मी, तो मुझे ये काम करना ही पड़ता है, क्योंकि इसे एज अ काम मैं ले रही हूँ, नॉट फॉर फन के तौर पर तो मैं इसे बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। तो हॉस्पिटल आ रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें थोड़ी सी अब जो है स्टेबल हो गई है, थोड़ी सेट हो गई है, इसलिए नाउ आई एम एबल टू मेक वीडियोज़ ऑल्सो। तो रोज़ रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे ना, और जाहिर सी बात है कि अभी आप कहीं जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे आइडिया भी हो जाता है कि क्या है कैसे है। हालांकि ये ब्रह्मानंद हॉस्पिटल का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो अभी मैं आ रही हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे रिव्यू वीडियो बना दूँ, ताकि लोगों को इससे कुछ हेल्प भी हो जाए, अगर कोई इन फ्यूचर यहाँ जा रहा है तो उसे भी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे मैं बेसिकली हॉस्पिटल का नहीं बल्कि इनके कैंटीन का व्लॉग बनाई हूँ। जो स्टेयर से नहीं जाना चाहते और लिफ्ट से भी नहीं, उन लोग सही है। तो यहाँ पे अगर आप केबिन लेते हो ना थर्ड फ्लोर में, आपको काफ़ी अच्छा मतलब कि प्राइस तो जाहिर सी बात है सारे हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लगते हैं, लेकिन आपको केबिन में यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलती है। और ये भी सोच करके बड़ा स्ट्रेंज और वियर्ड लगता है कि अब हॉस्पिटल जो है वो भी 5-स्टार होटल के जैसे हो गए, आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जितना आप जैसे पे करोगे उसके अकॉर्डिंग। तो खैर केबिन इनका अच्छा था। उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पर इनके कैंटीन, और कैंटीन के बाहर का व्यू आप देख सकते हो, इतना खूबसूरत नेचर व्यू आ रहा था ना, बिकॉज़ बारिश हो रही है और बारिश के बाद का मौसम तो बहुत ही शानदार होता है। और हम सारे लोग आज लंच किए नहीं थे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। डोंट यू वरी, लेट्स गो फॉर वॉशिंग आवर हैंड्स। नहीं, ये वाटर कूलर है, बेसिन में जाके हाथ धोना है ना, यहाँ पे वॉश बेसिन। तो यहाँ का कैंटीन जो है ना नॉर्मल हॉस्पिटल की तरह नहीं था, बल्कि बिल्कुल एक प्रॉपर रेस्टोरेंट लग रहा था। और यहाँ पे बहुत सारी जो है क्यूजीन आपको मिलेगी, मतलब कि चाइनीज़ है, इंडियन है, और सिंपल फूड भी है, और बहुत सारी जो है अलग अलग टाइप के डिलीशियस फूड्स भी है। और प्राइस भी आपको रेस्टोरेंट टाइप का लगेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन हाँ प्राइसी है जैसा कि ये दे रहे हैं। बट हमने जो ऑर्डर किया था लाइम सोडा, इसका टेस्ट बिल्कुल बेकार, बिल्कुल नॉर्मल सा सादा सा नींबू पानी लग रहा था, वो भी चीनी पानी लग रहा था। पनीर पकौड़ा इनका काफ़ी टेस्टी था जो हमने इनका जो है ऑर्डर किया था। और हम सारे लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, वैसे हमने सुना है कि लंच टाइम में इनके यहाँ जो है ना खिचड़ी और थाली जो है वो काफ़ी डिलीशियस और हेल्दी टाइप की रहती है। वैसे सच में अगर मैं कहूँ ना तो मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल भी वैसा बहुत ज़्यादा डिलीशियस नहीं लगा। और ये भी है शायद यहाँ पर ये लोग अनियंस गार्लिक ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद हमने ये कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया था जो कि मेरा भतीजा लिया था, तो ये काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद हम लोग आइसक्रीम ऑर्डर किए थे, आइसक्रीम में ना चॉकलेट फ्लेवर हमने लिया था, इसमें इतने बड़े बड़े ना आइस के क्यूब्स थे कि हमने इसे फिर ना रिप्लेस करवाया कि इसमें तो आइसक्रीम कम और बर्फ़ के गोले ज़्यादा लग रहे थे। इसके बाद हमने छोले भटूरे लिए जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, टेस्ट वॉज जस्ट एवरेज टाइप जो कह सकते हैं उस तरह का था। तो और डिज़र्ट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी। हाँ, इनकी कॉफ़ी काफ़ी अच्छी होती है, वो आप ट्राई कर सकते हो। और जब हम लोग हॉस्पिटल से निकल रहे थे ना, यहाँ पे इतना खूबसूरत सा रेनबो दिख रहा था, बट मेरे मोबाइल में ना ये इतना ब्यूटीफुली कैप्चर नहीं हो पाया, शायद मोबाइल के कैमरा का जो क्वालिटी होता है उसके वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और मुझे लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में शायद, मुझे जहाँ तक याद है कि पहली बार ये रेनबो देख रही थी, तो आई वॉज सो एक्साइटेड, इसलिए मैं कैप्चर भी कर रही थी, बट उतना प्रॉपर कैप्चर हो नहीं पाया। और शाम के वक्त जितना खूबसूरत नज़ारा लगता है ना, उतना ही खौफनाक लगता है मंजर हॉस्पिटल का, लगता है कि कब और कैसे सारे लोग हम लोग घर पहुंच जाएं। और अल्लाह ताला हर किसी को इस हॉस्पिटल से, मेडिकल से जो है ना छुटकारा दे, क्योंकि हॉस्पिटल जाना, वहाँ रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता, बहुत बड़ा टेंशन होता है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे, और
आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। बस मेरा पर्पस ये था कि मैं आप लोगों के साथ रिव्यू कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए ये शायद आगे चल करके हेल्पफुल रहे। और शाम जो है ढल रही है और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।